मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सोल। दिस इज शालिनी। और देखिए, एक प्यारी सी सुबह में आप सबका वेलकम कर रही हूँ। ये कितना सुंदर नज़ारा है, दो दो पैरट्स बैठे हैं, एक पिजन भी बैठा है, अभी बुलबुल भी आ जाएगी। एक्चुअली मैं रोटी डालने जा रही थी बुलबुल को, तो मैंने देखा ये पैरट्स बैठे हैं, तो लेट देम ईट फर्स्ट। कल बारिश हुई है, तूफान से मेरे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब भी हुए हैं, काफ़ी पॉट्स गिर गए थे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गार्डनिंग। और ये देखिए, मधुकामिनी में बट्स आ गई हैं। और मधुकामिनी ना बहुत प्यारा पौधा है, और मैं कहूँगी कि आप सबको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। ये इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है इसके फ्लावर्स में, कि बहुत दूर से आपको समझ आ जाता है कि मधुकामिनी का पौधा में फूल आ गए हैं। और ये बोगनविलिया तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, और पहले इन पैरट से मेरा ध्यान नहीं हट रहा है। आप भी एंजॉय करिए कुछ सेकंड्स के लिए। आई फील सो हैप्पी ना व्हेन आई सी बर्ड्स ईटिंग फ्रॉम बर्ड फीडर इन माई गार्डन। अब उड़ गए हैं, तो चलिए मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको अपने गार्डन का संडे मॉर्निंग। ये देखिए, ये दोनों वो अडेनियम जो मैंने वीडियो बनाई थी रिपोर्टिंग की आप सबके साथ, आपको शेयर किया था। अब देखिए, इसमें न्यू लीव्स आने लगी हैं, इट मीन्स प्लांट हमारा सेटल हो गया है अच्छे से। और अभी तो सारे एडेनियम ही हेल्दी लग रहे हैं, काफ़ी लीव्स हैं, और हेल्दी लीव्स मींस हेल्दी प्लांट्स। ये देखिए, अभी हवा नहीं है। ये मेरा कल्प वृक्ष थोड़ा डैमेज हो गया है, अब देखो टूट गया है तूफान में, बट कोई नहीं, फिर से इसमें और नई ब्रांचेस आ जाएंगी। इसे इच्छा पूर्ति वाला वृक्ष भी कहते हैं। अभी मैंने कोई इच्छा नहीं मांगी है अभी लेकिन ये बहुत शुभ माना जाता है, तो आप लोग भी लगाइए इसे। मैं तो बोनसाई बनाने के लिए ही लगाया है मैंने, वैसे तो ये बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं अगर ज़मीन में लगे हों तो। देखिए, एडेनियम सीडलिंग्स भी कितने खुश खुश से हैं, दे ऑल आर हैप्पी बाय ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स। रेन वाटर में एक्चुअली नाइट्रोजन काफ़ी होता है, और इसीलिए ना सारे प्लांट्स ग्रीन 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 आप देखेंगे बरसात में, मानसून में सब तरफ हरियाली होती है, यही एक रीज़न है। और ये देखिए, मेरे गार्डन के कुछ रूल्स देखिए। और ये ऐसे मैंने एक वेस्ट वुडन प्लांट को ऐसे पेंट करके रिपोर्ट लिखा हुआ है, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो आप भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इमेजिनेशन यूज़ करके। अभी देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी भी आज खिल गई है, देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। ये सुबह 4 या 5 बजे खिल जाते हैं, और अब थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएंगे। और ये लेंटेना वैसे तो ये वाइल्ड प्लांट्स कहे जाते हैं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये अपने आप उगे होते हैं और बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं झाड़ियों की तरह ना, तो लोग अवॉइड करते हैं गार्डन में। बट मेरा तो एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने पॉट में लगा रखे हैं तो टाइम टू टाइम मैं इनकी कटिंग करती रहती हूँ, प्रूनिंग करती रहती हूँ, तो ये मैं इनको बहुत ज़्यादा ग्रो होने नहीं देती हूँ एज अ वाइल्ड। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फूल, आप देखिए। और ये कई कलर में आते हैं, मेरे पास भी आई थिंक 3 कलर में हैं ये। और आज तो मेरे वाटर लिली भी खिलने वाले हैं, ये भी कुछ टाइम बाद खिल जाएंगे। और ये स्पाइडर लिली, ये
ये खिलते हुए फूल ना सुबह सुबह मेरे फेस पे स्माइल ले आते हैं, और इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप सबको भी देख के अच्छा लगेगा। प्यारी सी सुबह का प्यारा सा अपडेट। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं आज, फिर दोबारा मिलेंगे।